नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इलेवन। मैं हूं आपके साथ खुशबू। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब नया मोड़ ले लिया है। उनके पिता केके सिंह की ओर से अभिनेत्री और कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज कराने के साथ साथ इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में भी लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इस मामले पर कई नेताओं ने अपना बयान जारी कर दिया है। कई नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मामले में जो भी संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी कड़ी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बयान दिया है। दानिश रिजवान ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने मोदी सरकार से अपील करते हुए कहा है कि देश के युवाओं में रोष व्याप्त है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह का सुसाइड ही नहीं बल्कि देश के युवाओं का सुसाइड था। वहीं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि इस मामले पर जल्द से जल्द सीबीआई जांच होनी चाहिए। विशेष क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। उन्होंने भी आरोप लगा दिया है कि उकसाने पे उन्होंने सुसाइड करा है। मैं केंद्र की मोदी सरकार से अनुरोध करता हूं कि अविलंब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की इंक्वायरी सीबीआई से कराई जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि केंद्र की मोदी सरकार भी मीडिया के अंदर शामिल, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में शामिल जो माफिया तबके के लोग हैं उनसे डरती है। फिल्म जगत के अंदर शामिल माफिया गिरी के कारण ही सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही है। इसलिए मैं उन तमाम नेताओं से डिमांड कर रहा हूं जो लोग सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की आस लगाए बैठे हैं, आप एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आइए और केंद्र सरकार पर दबाव बनाइए कि अविलंब इस मामले की सीबीआई से। सुशांत सिंह की हत्या मामले में कांग्रेस का मानना है कि जो सुशांत के पिता और परिजनों की भावनाएं हैं जांच के संबंध में, जांच के दायरे को बढ़ाने को लेकर, उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर परिवार मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है तो मुंबई पुलिस को चाहिए कि कल जो एफआईआर सुशांत के पिताजी की तरफ से पटना में की गई है और जो बिहार पुलिस की टीम मुंबई गई है तो उससे एक तालमेल बना के और जांच के दायरे को बढ़ाएं। हम सब चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के लोगों के भावनाओं से जुड़ा प्रश्न है। ये सिर्फ सुशांत या उसके परिवार का मामला नहीं रहा, और जिस तरह से रोज नए नए परत दर परत बातें खुलकर सामने आ रही हैं, यह बताने को पर्याप्त है कि सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या जो भी कुछ चीजें की गई उसमें कई प्रकार की जटिलताएं हैं, और मुंबई पुलिस जिस डायरेक्शन में जांच कर रही है उस जांच को लेकर सुशांत के परिजन संतुष्ट नहीं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में परिजनों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि जांच का दायरा बढ़े तो बढ़ाना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि सीबीआई कोई जांच सौंपा जाए तो सौंप देना चाहिए, या मुंबई पुलिस को भी उन बिंदुओं की ओर भी गौर करना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज वन इलेवन के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।